अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन, नई सुबह नए मेहमान, और नई सुबह के साथ नए मेहमान के साथ नया टैलेंट भी होता है रोज़ाना। और टिकटॉक क्या है रोज़ाना बता के मेरा गला थक गया है, और आज फिर यही बताऊँगी कि भाई टिकटॉक ऐप क्या है। टैलेंट आजकल हर इंसान में फेमस होने का, भाई हमें भी दो लोग जाने, फेम मिले हमें। तो ऐसे ही मेरे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं वो भी टिकटॉक की दुनिया से वाबस्ता हैं और टिकटॉक बनाते हैं, टिकटॉकर हैं। नाम भी बड़ा यूनिक है, और जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम बताया तो मैंने भी उसको ऐसे बोला गालिब हो। तो हमारे साथ जो हैं सैयद गालिब मौजूद हैं, वेलकम करते हैं तारा रारा के शो पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, मजे में? बिल्कुल। और क्या चल रहा है जिंदगी में टिकटॉक के अलावा? पहले टिकटॉक के अलावा स्पोर्ट्स 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 लॉन्ग रेसर रेसर ये क्या होता है थोड़ा हमें बताएं। तो मेरे शो पे एक आया था ना सिंधी चाचा, कहाँ पे अनपढ़ आयो, पढ़िए लिखे ना आयो, मतलब मुझे थोड़ा बताएं आप। लॉन्ग रेसर वो है मतलब जो बड़ी बड़ी रेसें होती है, मतलब तकरीबन आधे घंटे की या 30 मिनट की रेस होती है, और 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर बड़ी बड़ी रेस होती है। आपको देख के नहीं लगता आप लॉन्ग रेसर हैं? स्टैमिना चाहिए होता है। अभी रनिंग करके आया हूँ मैं। अभी रनिंग करके आए हैं? या क्या बात है। और टिकटॉक ऐप क्या है? टिकटॉक क्या है? क्या है टिकटॉक? एक फैशन है। फैशन है? अरे फैशन कैसे? मतलब जैसे कोई फनी बनाता है कोई। आपका कंटेंट क्या है? मेरा फनी है, लोगों को हंसाते हैं। हंसते भी हैं या बस? नहीं, फुल रुको ऐसे ही पोस्ट करते नहीं, हंसते हैं। हंसते हैं तभी कमेंट करते हैं। कितनी रीचिंग आ जाती है एक दिन में वीडियो पोस्टिंग पर? एक पे अभी तो अकाउंट फ्रीज हो गया है। अच्छा, पहले अच्छा चल रहा था। ओल्ड अकाउंट जो आपका बैंड हुआ है उस पे कितनी रीचिंग थी? उस पे अच्छा था, तकरीबन 10K व्यू, कभी 20, 25, 50K। ऐसी कोई वीडियो गई है जो 30 मिनट में मिलियन में आई हो? फर्स्ट वीडियो गई थी मेरी 1,04,000 पे, 1.4 मिलियन लाइक आए थे। मेरी फर्स्ट वीडियो गई थी 25 मिनट्स में 1.3 मिलियन। मेरी 1 घंटे में 88 आए थे के। 88 के आए थे? क्या वो वीडियो में क्या था ऐसे जो इतने लोगों ने देखी फजूल में? हमारा ग्रुप था पूरा टीम एक्सपर्ट, जिसमें भट्टी फरहान और भी लड़के थे हमारे पूरे टीम के, तो वो पूरी वीडियो थी। हमारे नाम क्या है? टीम एक्सपर्ट। टीम एक्सपर्ट, एक्सपर्ट हो या नाम बस रखा? नहीं, एक्सपर्ट है। किस चीज में एक्सपर्ट है? फनी में। फनी कंटेंट उठा था वो। घर वाले फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं कहते। वो कहते होंगे पता नहीं हमारा छोकरा किस काम में। भरोसा है, भरोसा है। हाँ। यार टिकटॉक के एक ऐसा ऐप है, मेरी नजर में काफी फैमिलीज जो होती है ना वो टॉन्ट करती हैं कि भाई ये तो क्या है नाचना गाना ये वो। तो आपकी फैमिली क्या सपोर्ट होगी? नहीं है? करती सपोर्ट। करती है? ज्यादा कौन सपोर्ट करता है? मम्मी। क्यों मम्मी आपको? मुझे लगता है आपकी वजह से टिकटॉक इंस्टॉल किया। मम्मी वीडियो भी देखती रहती है। मम्मी लाइक करती हो? मम्मी। और मेरा एक फ्रेंड है, मुझे याद आ गया आपकी इस बात पर, वो उसको मैं कहती थी कि यार कितनी रीचिंग आई है, कितने फॉलोअर्स आए हैं क्या? मुझे बोलता है एक तू लाइक करती है, एक मेरी अम्मी करती है, और एक मेरी बहन करती है, तीन लाइक होते हैं दिन में। तो आपका ये सीन तो नहीं है ना? नहीं, ये नहीं है। पब्लिक भी लाइक करती है? पब्लिक भी है। अच्छा, सैयद गालिब, गालिब किसने रखा नाम? गालिब अबू ने। रियल नेम गालिब है या? रियल नेम गालिब है, निक नेम अवेद है। अच्छा, गालिब शेर व शायरी भी करते हैं? शेर व शायरी नहीं, नाम जैसा था आपके साथ। टोके मारता हूं लोगों को। टोके मारते हैं? मुझे टोक मार के देना। आपको क्या मारो? मार के दे। अभी नहीं, शो के बाद। इतनी हिम्मत है? वो हो जाएगी, हो जाएगी। चलो देखते हैं, हमें भी कोई टोक मारने वाला है भाई। अच्छा, फेवरेट टिकटॉकर कौन है गर्ल्स में? अब ये मत कहना आकर के मेरे शो पे अच्छा लड़के आते हैं ना, उनमें कैमरों को देख के एटीट्यूड बड़ा आ जाता है कि जो है हमारी तो कोई हमारी कोई गर्ल फेवरेट है ही नहीं, हालांकि सारा दिन लड़कियों को ही लाइक करते हैं। तो इसीलिए सच बताना, गर्ल में नहीं है। देखा, वॉइस में ही है। देखा, मैंने सही बोला था ना, मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया। और वॉइस में? वॉइस में असवद जोखियो। असवद जोखियो, अजहर किंग। अजहर किंग। असवद जोखियो क्या करता है? असवद जोखियो एटीट्यूड और नई चीज लाता है हमेशा, जब भी आता है कोई नई चीज। एटीट्यूड वाला डायलॉग याद है आपको? असवद जोखियो का एक मारी बनाया था, डायलॉग नहीं है, एंट्री की थी, म्यूजिक था उसपे जो ऑक्टो से निकलता है, फुल मारी की एक्टिंग की थी। अच्छा, और फरहान बलोच का? फरहान तो शेर व शायरी करते हैं और अलग से एटीट्यूड और फनी में भी है। आपकी हॉबीज क्या हैं टिकटॉक के अलावा? उसके अलावा टिकटॉक को टाइम दिया, उसके अलावा क्या नाम है उसका, स्नैक ऐप है और लाइकी ऐप है, वेरीफाई अकाउंट लाइकी भी किया हुआ है, और इंस्टाग्राम भी 24 घंटे लाइव बैठते हैं। 24 घंटे लाइव?
जब फ्री होते, जब फ्री होते। अच्छा ऐसे बोलो ना, जब फ्री होते 24 घंटे लाइव कौन बैठते हैं। लेकिन हमारे पास एक दादा आशिक मौजूद है, वो पहले मेरे शो पे होके जा चुके हैं, अभी वो ऑफिस ग्रीन है। वो जो है 24 घंटे उनको जब मैं इंस्टा खोलती हूँ लाइव, दादा आशिक लाइव। अरे भाई काम कर नहीं है क्या तुम लोगों को? और वो वहां से सर ला रहे हैं, कोई काम कर नहीं है। अच्छा अब आपको देख के हम भी लाइव आ रहे हैं, आप भी लाइव आ रहे हैं, नहीं ये अच्छी बात है। सोशल अकाउंट्स पर एक्टिव होना चाहिए, जितना इंसान ज्यादा एक्टिव होता है उतनी फेम गेन करता है। तो ये मुझे बताएं फेवरेट सिंगर कौन है सिंध में? सिंध में, सिंध के हवाले से अभी तो फिजा चल रही है। फिजा यार नाम पूरा फायजा, मेरी बहन फायजा, सॉरी मेरी जो है दोस्त का नाम बिगाड़ दिया, सिंगर फायजा लियो कह रहा फिजा, फायजा नहीं सुनते नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं फिजा फिजा ऐसे आती रहती है शो में या किसी सिंगिंग में। कभी देखा नहीं है, कभी लाइव नहीं देखा, मोबाइल पे भी नहीं देखा। मोबाइल पे टिकटॉक पे वीडियो देखी थी अभी, वो बोल रही थी कि बारन के पोते कहो, हां पोते का सा पैसा खान का यार ये तो उसका बड़ा डायलॉग गया था। और ये वो भी फनी है, हमारी जो है जो बहन है बहुत अच्छी, सिंध का बहुत प्यारा नाम है और सिंध में बहुत इज्जत कमाई छोटी उम्र में। और ये बहुत मुश्किल होता है अपना एक फेम लेना कम एज में, काफी लोग मेहनत करते हैं अभी तक वही है, लेकिन वो बंदी जो है ना पूरे सिंध में इस टाइम छाई हुई है, नंबर वन टॉप सिंगर्स में। और बॉयज में, बॉयज में सिंगिंग तो कभी देखी नहीं सिंध के हवाले से। आप सिंधी ही है ना? या तो फिर हमारे सिंगर ममताज मौलाई हैं, सिंगर जुहेब चांडो है, इतने सारे। नहीं सुनता ना मैं इतना, नहीं सुनता उर्दू सॉन्ग। उर्दू सॉन्ग में आप बता दें, आतिफ असलम। आतिफ असलम आप सिंगिंग करते हैं, शौक रखते हैं, बाथरूम सिंगर कह सकते हैं? नो नो, बाथरूम सिंगर भी ओके हो गया। अच्छा क्या फेवरेट कोई पर्सन है जिसको मैसेज दो, फेवरेट पर्सनालिटी जो आपका आइडियल हो, जिसको फॉलो करते हो? फॉलो तो अजर को ही करते हैं, अजर के। पहला बंदा आया जिसने आइडियल में मतलब आर्टिस्टों का नाम लिया, नहीं तो जो भी आता है मैं तो अपने बाबा को, मेरा बाबा मेरे लिए आइडियल है ऐसे बोलते हैं। आपने नहीं बोला क्यों? अबू इतने अबू के साथ टाइमिंग करते हैं, तो जो ओल्ड फेसेस होते हैं हमारे उनका नाम होता है लेकिन एक वो फेम नहीं होती है, फॉलोअरशिप। लोग कहते हैं हमारे 1.1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, ये सब मेरी नजर में टेम्पररी चीज होती है। और काफी लोग ऐसे हैं जिनके मिलियंस के अकाउंट बैंड हो चुके, तो वो ऐसे बैठे होते हैं कि कोई मिले जो अकाउंट हमें खोल कर दे, तो ये सब टेम्पररी चीजें हैं। खैर सैयद गालिब आज हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने काफी अपनी जिंदगी के बारे में डिस्कस किया कि फ्यूचर में क्या करना है, क्या करना है फ्यूचर में, स्पोर्ट्समैन बनना है, बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे आपको स्पोर्ट्स खेलनी है, तो इनको स्पोर्ट्समैन बनना है और आगे इन फ्यूचर बहुत नाम कमाना है और टिकटॉक से हटके एक नेम बनाना है आपको। अच्छा कितने रिकॉर्ड्स हैं कोई आपके पाकिस्तान में? सिंध गेम के, सिंध गेम में किधर आपने रिकॉर्ड बनाया? एनसीसी ग्राउंड सिंध गेम में हुई थी, यहाँ पर कराची में होता, तो वहाँ पे 400 मीटर रिले रेस हुई थी और 800 हुई थी, 800 विकेट, 800 मीटर, 800 मीटर रेस। आप फर्स्ट आए थे? नहीं सेकंड, सेकंड आए थे। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट दोस्त था कराची। अच्छा, के सारे कराची। ये शौक कैसे हुआ स्पोर्ट्स का, ये शौक कैसे हुआ? ये शौक फुटबॉल खेलते हुए, फुटबॉल खेल खेल के उसके बाद एक सर आया था, उन्होंने कहा कि आप स्पोर्ट खेलते हो, मैंने कहा यस सर, तो वो लेके गए, तो फर्स्ट टाइम की नेशनल स्टेडियम ले गए। अब मुझे पता नहीं था क्योंकि मेरे से, मैंने सोचा कि मैं ही फास्टर हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ ट्रैक उतरा तो मेरे से तेज थे क्योंकि अच्छा। उनकी मेहनत थी, प्रैक्टिस। अभी तो सबसे अच्छा चल रहा है पाकिस्तान लेवल में मोहित बलोच, अच्छा लॉन्ग रेसर, बहुत अच्छा है। एनसीए में ठीक हो गया। एनसीए में कभी चांस मिले आपको अगर हमारे प्लेयर्स के साथ खेलने का तो खेलेंगे? वहाँ तो भी सारे फ्रेंड हम तो खेलते हैं उनके साथ ही रेसे करते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल वो शायद आए भी नहीं है यहाँ पर। अच्छा तो कौन फेवरेट आपका प्लेयर कौन है आपकी फील्ड में? लॉन्ग रेस में अभी तो मुईज चल रहा है हमारे, वो आप उसको फॉलो करते हैं? बहुत अच्छा है, स्प्रिंट अच्छा है, अभी तो पाकिस्तान में उसका नाम भी है बहुत, मुईज का। अभी गया था नेशनल खेलने, गया था ओलंपिक में, वहाँ भी लगा गया, सेकंड पोजीशन लगा गया था। बाकी सिबलिंग्स क्या करते हैं आपके? बाकी बहन भाई क्या करते हैं आपके? भाई जॉब करता है और छोटा भाई। बाकी टिकटॉक ऐप पे नहीं है, सोशल मीडिया पे नहीं है, दूर दूर? मेरे लास्ट घर में मैं ही हूं अकेला। एक ही पीस है आप? या अच्छा जो अम्मी है अबू है, आपने कहा मदर आपकी सपोर्ट करती है, बाबा सही क्या कहते हैं? अबू कुछ नहीं बोलते हैं भाई, कभी कभी बोलता है रात को लेट नहीं घर आया करो, बस बस ये बोलते हैं।
क्यों आप रात लेट घर जाते होगे? रात को मतलब देर से जाते हैं कभी कभी। अच्छा, तो सुबह मम्मी को बोलते हैं कि इतना लेट क्यों आ रहा है। अच्छा, आपने टिकटॉक ऐप जो टिकटॉक बनाना शुरू की किसको देखकर? टिकटॉक फ्रांक को देख के स्टार्ट किया था जब म्यूजिकली था, तब से हम टिकटॉक पे। 5 साल हो गए। आप पुराने मॉडल हैं। बहुत पुराने। अच्छा, म्यूजिकली के टाइम से। उसके बाद फ्रांक को देखा, फ्रांक भी आया था तो फ्रांक का कहा साईं आप भी आ जाओ उस पे। फिर फ्रांक को देख के हम भी फिर हमारी टीम बन गई, टीम एक्सपर्ट। टिकटॉक आ गया। अच्छा, भट्टी एक्सपर्ट जो है हमारा बहुत अच्छा यूट्यूबर है, सिंध का व्लॉगर है और जाता है सिंध की प्यारी प्यारी प्लेसेस को कवर करता है और अपने व्लॉग्स के जरिए सबको मैसेज भी देता है। बहुत अच्छा, मतलब मैं उसको भी अप्रिशिएट करती हूँ और एज अ व्लॉगर मैं उसको लाइक भी करती हूँ क्योंकि मैं खुद व्लॉगर हूँ। तो यूट्यूब एक जो ऐप है उस पर मैं भट्टी एक्सपर्ट को देखती हूँ कि उसकी एडिटिंग कैसी है, वो क्या कवर कर रहा है, उसका इन फ्यूचर प्लान्स क्या है। मैं बड़ी नज़र रखती हूँ भट्टी पर, तो बहुत अच्छा यूट्यूबर है। टिकटॉक पर तो अभी वो आया है। टिकटॉक पर तो हमारे साथ ही था, म्यूजिकली साथ था। जब भट्टी फ्रांस से मुलाकात कराए थे तो भट्टी मतलब फ्रांस के दो मोबाइल थे, उस मोबाइल लिया तो दोनों से उसने सब्सक्राइब किया अपने चैनल को, मतलब ऐसे ऐसे करके। अच्छा, पहले ये था कि बड़ा वो सब्सक्राइब करता था और लेकिन अब जो है उसको सिंध वासियों ने बड़ा प्यार दिया है, सिंध के लोगों ने, और जितने क्या नाम उसके फैन वगैरह जितने भी भट्टी के। और भट्टी की वजह से हमारी टीम टूट गई थी। फिर भट्टी की वजह से क्यों मुझे बताओ? अब भट्टी शोज वगैरह देखते हैं, हम भट्टी को बोलेंगे भाई क्यों टीम तोड़ी है? तो भट्टी को तो पता है क्यों तोड़ी है, मतलब हमारा हैशटैग था ना तो टीम हमारे उससे टूट गया। हैशटैग भट्टी ले लिया, भट्टी नजर लाखों आ रहे और सब अलग हो गए, हम अलग हो गए, मैं और फरहान। अच्छा, हम मैं और फरहान अकेले हो गए, वो तीन चार बंदे अलग हो गए। अच्छा भाई, आज हमारे साथ सैयद गालिब मौजूद थे, भट्टी एक्सपर्ट की वजह से इनकी टीम टूटी, नई खबर मुझे मिली है और मैं आप सबको ये आगाह करती हूँ, थोड़ी न्यूज़ में आगाह करती हूँ कि भट्टी एक्सपर्ट तुमने बहुत गलत किया है, इनकी टीम टूट गई है, वापस से टीम को बनाओ। और टीम वापसी बन गई थी हमारी, वापसी फिर हमारी टीम बैड बॉय बनी थी, उसमें हम 5 लोग हैं, फरहान, मैं, मोहसिन, अरीब और मीर बंगर, अमीर अली। सही, तो हो गया, बन गई थी वापस, अब तो नहीं टूटी। अब नहीं, अब वही टीम हमारी चल रही है, वही टीम चल रही है। भट्टी है उस टीम में? भट्टी नहीं है, भट्टी को दोनों नहीं है। भट्टी को वेलकम करो इस टीम में, मैं कहूंगी। बहुत कोशिश की थी लेकिन भट्टी यार मना कर दिया हमारे, भट्टी आना नहीं चाह रहा। नहीं, फरहान ने मना कर दिया हमें, क्योंकि हमारा हेड फरहान था टीम का। अच्छा, हेड भी है इसमें टीम में? यार ये कैसी टीम है, इसमें हेड भी है और टीम टूटी, टीम बनी, अब इसमें हेड भी है, फरहान बलोच। अच्छा लगा सुनकर, तो भाई अपना रखें ख्याल। और क्या मैसेज देंगे आप अपने फैंस को, अपने देखने वालों को और व्यूअर्स को, क्या मैसेज देंगे अदा? क्या मैसेज देंगे अदा की तरह से मैं मैसेज देती हूँ, भाई अपना रखें बहुत सारा ख्याल और मोहब्बतें बांटें रोजाना, यही कहती हूँ। हेटर्स जो हैं वो हेट करना छोड़ दें। और अदा फिर भी आप अपने देखने वालों को कुछ तो बोलें। यही कहूँगा कि तारा के चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर, कमेंट करो। मेहरबानी अदा, तूने सब्सक्राइब का बोल दिया मेरे पास, अब सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे मेरे शो पे आके। कैसा लगा मुझसे मिलके, कैसा लगा? अच्छा लगा बहुत। तारीफ कर दो, दो लफ्ज़ ये तो कर सकते हो या बुराई कर दो। नहीं नहीं, अच्छा लगा बहुत। अच्छा लगा, पक्की बात, फर्स्ट टाइम लगा था आपसे, लेकिन बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरी नेचर कैसी है? गुड गुड, मेहरबानी। It's okay. It's okay. अच्छा, माय प्लेयर बोलते तो ज्यादा अच्छा होता। तो गाइज अपना रखें बहुत सारा ख्याल, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, आपके अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ, नए टैलेंट के साथ, जो जो टैलेंटेड हैं, क्योंकि मैं यही कहती हूँ पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कदर नहीं है, तो लेकिन तारा बहुत कदर करती है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक इंसान जब खुद टैलेंटेड हो, उसको जब चांस कोई देता है तो मीडिया में आने का हर चीज़। तो आप लोग आ सकते हैं शो पर, मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, डायरेक्टर साहब हैं हमारे, वो आपको अप्रोच करेंगे, या RNN न्यूज़ का जो है इंस्टा ID है वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं, और ताहिरा स्टैंड गर्ल जैसा कि आप सबको पता है वहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन कम लोगों को रिप्लाई मिल सकता है टाइम की वजह से। तो आप रब्ता करें और आएँ, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।